To watch Divine Garbh Sanskar channel on YouTube, subscribers on youtube.com/divinegarbhsanskar. Just a claim for healthy, happy mother and baby. Oh.
ओम शांति। सभी माताओं का और दीदी जी का, पीके डॉक्टर अल्पा शाह दीदी जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं आज की मुरली के लिए। आज दीदी बाबा ने मुरली में क्या 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 हम माताओं के लिए बोला, वो दीदी आज हम को वाणी सुनाएंगी। वेलकम है अल्पा दीदी जी आपका इस इवनिंग में, इस शाम में। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुरू करें। अच्छा, आज है 24 जनवरी की वाणी। आज की मुरली में बाबा ने सार में बताया है कि सदा सुखी बनना है तो देही अभिमानी बनने की आदत डाल। है ना, जैसे बच्चों में संस्कार डाला जाता है, है ना। बच्चा गर्भ में है तब से ही कुछ न कुछ संस्कार भी किया जाता है, जैसे उपनयन ये अपना 5-6 महीने में एक संस्कार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उस समय बच्चे की मन और बुद्धि का विकास होता है। आत्मा 4th महीने में प्रवेश करती है तो 5वें या 6ठे महीने में गोद भरते हैं और धार्मिक विधि करते हैं ताकि बच्चे की मन और बुद्धि को वो एक फीडिंग मिले, वो एक पॉजिटिव वाइब्स मिले। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जब भी खुद को देखते हैं या अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं तो पहले ये सोचना है कि वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, मैंने जस्ट उसको एक शरीर देना है, बाकी तो वो शिव बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं माइंडसेट बना दो, धीरे धीरे करके वो संस्कार बन जाए। और जो बच्चा भी होगा वो सोल कॉन्शियस जितना होगा उतनी उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। हम बच्चों की भी, सभी माताओं की भी, जितना अपने को सोल समझ करके फिर कर्म करेंगे, फिर रोल में आएंगे तो आत्मिक शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये आदत डाल देही अभिमानी बनने की। प्रश्न है, देवी राजधानी स्थापन करने के लिए हरेक को कौन सा शौक होना चाहिए? हमें पूरे समाज को इतना श्रेष्ठ बनाना, उसके पहले घर को श्रेष्ठ बनाना है, उसके पहले अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है ना। और आज माताएं की जिम्मेवारी दो हो गई, खुद को भी और अपने बच्चे को भी बना। तो दोनों के लिए बाबा कहते हैं कुछ आपकी जिम्मेवारी है ना। बाबा ने आज तो बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में कहा है कि दूसरों को बाबा का ज्ञान देना है, लेकिन माताओं को क्या करना है? अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ रोज बातें करनी है। कौन सी बातें करनी है? ज्ञान की बातें करनी है, क्योंकि बच्चा सुन रहा है, आत्मा है ना वो, तो उसको ये सब पॉइंट्स जाते हैं। अगर आप समझो अभी मैं भी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो वो सब कुछ बच्चे को जा रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे के साथ बातें भी करो तो ज्ञान की बातें करो, तुम आत्मा हो, तुम्हें ये शरीर मिला है, शरीर एक वस्त्र है। इस तरह से ज्ञान की बातें रोज बच्चे के साथ करते रहो तो बच्चे को अंदर ही जैसे सब कुछ मिलता रहेगा। फिर आज की बाबा की विशेष धारणा है कि देहाभिमान की जंजीर काट कर देही अभिमानी बनना है। बॉडी कॉन्शियसनेस एक बंधन है। आप सभी ने अनुभव किया होगा मेडिटेशन के समय क्यों अच्छा लगता है। मेडिटेशन के समय इसीलिए अच्छा लगता है कि हम सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास करते हैं मेडिटेशन के समय, तो जैसे जो भी बॉन्डेजेस है उससे हमें फ्री फील होता है। कौन से बॉन्डेजेस है, कौन से बंधन है? एक तो शरीर का बंधन। शरीर का बंधन अर्थात क्या? कुछ भी कर रहे हैं, समझो हमें माइंड को फोकस करना है और बॉडी में कुछ तकलीफ है तो वो शरीर खींचता है, वहां पर ध्यान जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, वो अभ्यास करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आप फोकस्ड हो पाएंगे। तो इसके लिए शरीर का बंधन आपको खींचेगा नहीं,
दूसरे बंधन है, जैसे वस्तुओं का बंधन, आत्माओं का बंधन, रिश्तेदारों का, घर वालों का बंधन। मतलब क्या कि उनके साथ का हमारा जो भी इंटरेक्शन है वो हमें बार 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 अपनी ओर खींचना, उसको कहते हैं बंधन। तो बाबा कहते हैं कि जितने सोल कॉन्शियस होते जाएंगे ये बंधन कटते जाएंगे। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है, आदत बना लो अपनी। जैसे माँ बाप बच्चों को कहते हैं ना कि अभी रोज ये आपको काम करना है, रोज एक्सरसाइज करनी है, आदत डाल दो। रोज इस तरह से पैर छूना है, रोज आरती करनी है, पूजा करनी है, आदत डाल दो। वैसे हम सभी आत्माओं के माता पिता कौन है? शिव बाबा है। गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो पहले बाबा का बच्चा है, फिर हमारा बच्चा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये आदत डालो, और जब भगवान कहे ये आदत डाल दो तो वो आदत कितनी श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। दूसरा बाबा ने कहा कि शिव बाबा हम सभी आत्माओं को प्योर बना रहे हैं, इम्प्योर से प्योर बना रहे हैं, विशेष से वाइसलेस बना रहे हैं। तो पापा कहते हैं ऐसे तुम बच्चों को भी खुद को बनना है तो दूसरों को भी ये प्रेरणा देनी है। जैसे हीरा होता है, हीरा कैसे चमकता है, उसकी चमक की तरफ सबका दूर से ध्यान जाता है, उसी तरह तुम बच्चों को हीरे जैसा सात गुणों की जो चमक है वो बढ़ानी है। ये कब बढ़ेगी? जब सोल कॉन्शियस रहेंगे। साथ साथ पापा ने कहा हीरा कैसा होता है? वैल्यूएबल होता है। हम भगवान के बच्चे कोटों में कोई में भी कोई अर्जुन है। अर्जुन मतलब अलौकिक जन, इस लोक से परे, कुछ स्पेशल है, कुछ खास है। तो हीरा मतलब वैल्यूएबल बनना, ऐसे खास, ऐसे वैल्यूएबल बनना। और वैल्यू कब बढ़ेगी? कोई भी आत्मा की वैल्यू कब बढ़ती है? जैसे देवी देवताएं हैं उनकी हम पूजा करते हैं क्योंकि वो वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि उनमें डिवाइन वर्च्यूज है, दैवी गुण है, तो इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं फ्लॉलेस डायमंड। जब हीरा खरीदने जाते हैं तो अंदर कोई फ्लो नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए, कांच देखा जाता है। तो वैसे जो भी विकार है वो फ्लो है, वो दाग है। जैसे जैसे सोल कॉन्शियस होते जाएंगे वो दाग जो है वो निकलता जाएगा। तो वो बाबा कहते हैं आदत डाल दो सोल कॉन्शियस बनने की। आज बाबा का वरदान है कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। आप सभी की कितनी सारी जिम्मेवारियां हैं, घर की जिम्मेवारी है, रिश्तेदारों की जिम्मेवारी है, स्वयं की हेल्थ की जिम्मेवारी है, बच्चे की हेल्थ की जिम्मेवारी है। तो कितनी सारी जिम्मेवारियां हैं, ये सब कर्म है हमारे, जो हमारे फर्ज है, जो हमको पूरा करना ही है। कर्म करते हुए बाबा कहते हैं न्यारी और प्यारी अवस्था में रहो। अब किससे न्यारा और किससे प्यारा, किसका प्यारा? सबसे पहले तो देह से न्यारा, जो बाबा ने पहले ही कहा आत्मिक स्थिति। जितने देह से न्यारे होते जाएंगे हमारे तो गुण बढ़ेंगे, तो परमात्मा के भी प्यारे हो जाएंगे और साथ साथ हमारे जो परिवार के हैं उनके भी प्यारे हो जाते हैं। तो जन के भी प्यारे और परमात्मा के भी प्यारे हो जाते हैं। तो इसलिए कर्म करते हुए न्यारी अवस्था, तो जितना न्यारा उतना प्यारा। जैसे कमल होता है, कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ से न्यारा होता है, कीचड़ का दाग नहीं लगता है। उसी तरह गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ की जो भी कुछ कुछ नेगेटिविटीज है वो हमें स्पर्श न करे। स्पर्श न करे मतलब उसका प्रभाव हम पर न पड़े। और वो कब होगा, उसका प्रभाव हम पर कब नहीं पड़ेगा? जब हम सोल कॉन्शियस रहेंगे। जितने सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना हम डिटैच रहेंगे, जितने सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना हम अनअफेक्टेड रहेंगे। चाहे कुछ भी हमारे साथ गलत हो भी रहा हो, किसी ने कुछ कह भी दिया हो, लेकिन कॉन्शियसनेस कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड है
हम पर प्रभाव पड़ना या नहीं पड़ना। तो जितने सोल कॉन्शियस, जितने न्यारे, उतना नेगेटिविटी के इफेक्ट से परे रहेंगे, बचे रहेंगे। तो ऐसी न्यारी और प्यारी अवस्था में रहकर हल्केपन की अनुभूति करने वाले, फिर कोई भी कार्य बोझ नहीं लगेगा, परिवार को संभालना बोझ नहीं लगेगा, संबंधों को संभालना बोझ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कैसे संभाल रहे हैं, कौन से तरीके से संभाल रहे हैं, अपने सातों गुणों को यूज करते हुए संभाल रहे हैं, तो फिर वो बोझ नहीं लगेगा। उसी को कहते हैं कर्मातीत। कर्मातीत अर्थात कर्म के भान से परे, कर्म के फल के भान से, प्रभाव से परे, कर्म की इफेक्ट हमारी मन और बुद्धि की स्थिति पर ना हो। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा, कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा दिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कराने वाला कोई और है और मैं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मालिक कोई और है, इतना मैं आत्मा मालिक इंद्रियों के द्वारा करा रही हूँ। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति का भी हल्कापन, जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। तन का हल्कापन, शरीर में भी भारीपन ना आए कर्म करते समय। जैसे साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि जितने हम सोल कॉन्शियस रहते हैं उतना अंदर जो रिलैक्सेशन हॉर्मोन्स है वो सिक्रीट होता है, जैसे डोपामाइन है या तो एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये जो हॉर्मोन्स से जो हमारे शरीर के सेल्स के लिए आवश्यक है रिलैक्सेशन के लिए, तो वो सिक्रीट होते हैं। तो सोल कॉन्शियस स्टेज से ये हॉर्मोन्स सिक्रीट होने के कारण शरीर का भारीपन कम होता जाता है, हम हेल्थ की तरफ जाते हैं, स्वस्थ रहने की तरफ जाते हैं। तो तन का भी हल्कापन और मन की स्थिति में भी हल्कापन, डिटैच, जितना कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना कर, कर्म हमें अपनी तरफ खींचे नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोड होते हैं कर्म का, काम का बहुत बोझ रहता है, तो बार 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 मन में आता रहता है ओहो इतना करना है, ओहो इतना करना है, कैसे होगा। इट मींस कर्म खींच रहा है, उसका प्रभाव किए बिना ही, अभी तक किया नहीं है लेकिन पता है इतना सारा करना है, तो वो बोझ फील होता है क्योंकि वो हमें अपनी तरफ खींचना है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले डिटैच हो जाओ फिर करो, कैसे हो जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, आंखें हैं, कान है, मुख है, मैं आत्मा मालिक हूं, मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित रहकर बोलूंगी, सुनूंगी, देखूंगी और खाऊंगी, करूंगी। इसको कहते हैं मालिक बनकर इंद्रियों से कर्म करा। इन केस समझो किसी से कुछ सुन लिया, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बताया कि आपके बारे में वो व्यक्ति ऐसे बात कर, तो मतलब आपने वो बात सुन ली, जैसे ही सुना क्या होगा मन और बुद्धि हलचल में आ जाएगा, स्थिति हलचल में आ जाएगी। अब जैसे ही कर्मातीत हो करके, मतलब न्यारे बन करके समझो ये कर्म किया, कौन सा कर्म, सुनने का कर्म, डिटैच होकर के किया, तो हम क्या सोचेंगे, भाई वो अपना रोल प्ले कर रही है, ओरिजिनली वो आत्मा भी अच्छी है जिसने भी कहा, इट्स ओके। जैसे ही सोल कॉन्शियस हुए, मतलब देह से न्यारे हुए, संबंधों से न्यारे हुए, तो क्या हो गया,
उन्होंने जो कुछ गलत मेरे लिए कहा उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ा, मतलब उसने मुझे खींचा नहीं, भारी नहीं बना दिया। तो बाबा कहते मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना, सुनना, देखना, बोलना, खाना पीना, ये सब इंद्रिया। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल दिया, तो इस तरह से कर्म कराना तो संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, ये कर्मातीत बनना है। कितनी सिंपल सी बात है, कर्म योगी बनना, कर्मातीत बनना। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो। कौन सी प्राप्तियां? दुनिया में तो भगवान से धन मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, संबंधों में प्यार मांगते हैं, कुछ ना कुछ अचीवमेंट चाहिए, पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, उसके लिए भगवान को याद करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें कौन सी प्राप्ति दिलाई है? अलौकिक प्राप्ति। ये अलौकिक प्राप्तियां हमें लौकिक में सुखी रखे। अलौकिक प्राप्तियां कौन सी है? जैसे ही बाबा के बने, बाबा का ज्ञान सुनना शुरू किया, तो क्या हुआ? सबसे पहले तो भगवान मेरे साथ है, तो भगवान की प्राप्ति हो गई, मांगने की जरूरत नहीं। जब वो साथ है तो उनका प्रभाव मेरे पर है। कौन सा प्रभाव? उनके गुणों का प्रभाव, उनके शक्तियों का प्रभाव। तो वो गुण और शक्तियां मुझे स्टेबल रखती है। तो ये है प्राप्तियां। इससे बाबा कहते संपन्न रहो तो हर्षित, सुखी और खुश नसीब बन जाए। ये तीनों में फर्क है, तीनों ग्रेड वाइज है। हर्षित, उससे बढ़कर सुखी, उससे बढ़कर खुश नसीब। हर्षित मतलब खुश रहना, मुस्कुराना, कोई भी सिचुएशन आए उसका प्रभाव। हर्षित हूं मैं, खुश अनोखी। सुखी, अंदर से सुख का अनुभव। सुख मतलब मेरे पास सब कुछ है, वो अनुभूति। सुख मतलब प्राप्तियों की अनुभूति। जैसे जो सुखी अनुभव करेगा वो दूसरों को भी सुख देगा, जो कुछ भी मिसिंग फील करेगा वो दूसरों को सुख नहीं दे पाएगा। तो सुखी मतलब अपने आप को भरपूर फील कर। और तीसरा खुश नसीब, उससे भी बढ़कर, सुखी से भी बढ़कर, मेरा भाग्य ही बहुत श्रेष्ठ है। तो भविष्य की भी सिक्योरिटी, भविष्य के लिए भी निश्चिंत, सब कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है, मेरी तबीयत भी अच्छी रहेगी, मेरे बच्चे की भी तबीयत अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो हर्षित, सुखी और खुश नसीब, ये कब होगा? जब प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे। बाबा, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां सदैव लेते रहेंगे, अपने आप को उससे भरपूर रखेंगे, तो खुश, हर्षित, सुखी और खुश नसीब रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने देखो हमें सोल कॉन्शियस स्टेज से लेकर के कर्मातीत तक लेकर गए, और कर्मातीत से लेकर के खुश नसीबी तरफ लेकर गए। तो इतनी सारी बाबा ने गहराइयां कितनी सहजता से समझा दी। इन गहराइयों को समझने के लिए भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र पढ़े होंगे, कितना मुश्किल अनुभव होता था, जो भगवान खुद धरती पर आकर के कितना सहज कर देते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में आज बाबा ने क्या कहा हमारे लिए, वो आपने बहुत सुंदर और संक्षिप्त में सब कुछ हमें बताया। सब माताएं एक हाथ से दीदी जी का शुक्रिया अदा करेंगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। फिर मैं अपने गहन हृदय से सारी माताओं का और गर्भस्थ शिशुओं का इस महफिल में स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब हम अपनी अगली यात्रा पर चलते हैं।
वीक थर्ड के फर्स्ट डे में हमने भगवान के साथ संबंध जोड़ा सब लोगों ने, और लेटर टू गॉड लिखा। थैंक यू वीना बहन। तो हमने भगवान को लेटर लिखा, ठीक है, लिखा था सब लोगों ने। क्या क्या संबंध निभाए थे बाबा से क्या क्या संबंध, हम सारे संबंध बाबा से निभा सकते हैं। वो हमारा मात भी है, पिता भी है, गुरु भी है, टीचर भी है, खुदा दोस्त भी है, साजन और सजनी भी है, और हमारा बच्चा भी है। यस, सब लोग बहुत अच्छा अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, यानी सब लोग अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फिर हम सेकंड डे पे आए थे, वीक के सेकंड डे पे। तब हमने क्या किया, सेवन वंडर्स देखे, बॉन्ड विद बेबी, ठीक है। तो बॉन्ड विद बेबी में हमने अपने बच्चे से संबंध निभाए, और वो संबंध निभाने के लिए है हमने सेवन वंडर्स क्रिएट किए, कि मेरा बेबी कैसे सूंघता होगा, मेरा बेबी कैसे प्यार करता होगा, कैसे वो टेस्ट करता होगा, कैसे टच हियर हंस रहा होगा, देख रहा होगा, ये सब चीजों को हमने अनुभव किया अकॉर्डिंग टू हमारा कौन सा महीना चल रहा है, प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, तो उसके कैसे अद्भुत अंग बन रहे हैं अंदर, कैसे कैसे उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, इसके लिए हमने बॉन्ड विद बेबी किया। और इसकी एक्टिविटी के लिए हमने अनुभव किया, और फिर उस इन चमत्कारिक अंगों के लिए शुक्रिया अदा किया, ठीक है, किया सब लोगों ने, वेरी गुड। उसके बाद आए हम डे थ्री में हमने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन हाँ जी दिखाई दे रहा है। हाँ, डे थ्री में हमने एक्सरसाइज के बारे में देखा, क्योंकि डिवाइन गर्भ संस्कार थ्री डायमेंशन अप्रोच है, सात्विक आहार, डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, तो हमने वो सारी एक्सरसाइज सीखी कि हम कैसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ से 9 मंथ तक हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बाकी पोजिशनल बटरफ्लाई, डक वॉक, स्क्वेयर्स, कैट कैमल, ये सारी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, ये हमने सीखा, ठीक है, डे थ्री में। उसके बाद हमने को लेटना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, कैसे हमें सपोर्ट देके बैठना है, कैसे हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटना है ना, और पांव की एक्सरसाइज करनी है, पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, ताकि हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ अग्रसर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद डे फोर में हमने बर्थ को विजुअलाइजेशन किया, कि कैसे मैं लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद डिलीवरी के लिए जाऊंगी, और कैसे मेरे डॉक्टर्स मेरे सब हमने अभी से ही एक काम हम अभी यहीं से कर सकते हैं, हम हमारे डॉक्टर्स को भी सकाश देना चालू करें, उनको भी थैंक यू देना चालू करें कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप मेरी डिलीवरी कराएंगे,
और मेरा बच्चा बहुत सुंदर तरीके से डेवलप हो रहा है और मैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ अग्रसर हो रही हूँ। ये भी हमने प्रैक्टिस की, ये भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है डे फोर का, हमने मेडिटेशन की भी किया। अब डे फाइव यानी कि डे फाइव में हमको आज सीखना है कर्म योगा, जो आज कितना सुंदर एक कोइंसिडेंस कहें या अपॉर्चुनिटी कहें कि आज बाबा ने वरदान में भी कर्म योग के बारे में बताया है। अभी आपने दीदी से सुना कि कैसे कर्म करते हुए हम बाबा की याद में रहें, सीखा ना अभी कैसे हम याद में रहें, बाबा की याद में रहें। तो कर्म योग का मतलब है कर्म करते हुए, क्योंकि हम बिना कर्म के रह नहीं सकते। हमारे कर्म मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही हमारे कर्म। हम मन से जब सोच रहे हैं तो वो भी हमारा कर्म है, मुख से जब हम बोल रहे हैं तो वो भी हमारा कर्म है, जब हाथों से हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी हमारा कर्म है। तीनों ही तरीके से हम कैसे काम करते हुए मन और बुद्धि को भगवान से जोड़कर रखें, साथ ही साथ अपने गर्भस्थ शिशु से भी जोड़कर रखें। यानी जब हम खाना बनाएं, परिवार में एक दूसरे से बात करें, या हम कुछ माताएं अगर जॉब करते हैं तो जब कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हों, या फिर हम जब सो रहे हों, तो भी हम कैसे बाबा से जुड़े रहे। तो ये है कि हम कैसे बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाए। शुभदा नील मैडम ने आपको बहुत सुंदर बताया ही है कि मैं कौन हूं, कौन हूं मैं एक आत्मा हूं, मैं एक एनर्जी हूं। कहां रहती हूं? शरीर में, भ्रकुटी की कुटिया में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दोनों आईब्रोज के बीच में, ब्रेन के मध्य में, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में, वहां मैं आत्मा विराजमान होती हूं। वहां से मैं अपनी सारी बॉडी को कंट्रोल करती हूं। ये बॉडी मेरी कार है और मैं ड्राइवर हूं। इस शरीर रूपी कार को मैं आत्मा अपनी पांच कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करके चलाती हूं। मैं जब सोचती हूं तो मैं मन हूं, जब मैं डिसीजन लेती हूं तो मैं बुद्धि हूं, जो डेली वर्क जो करती हूं वो मेरे हैबिट्स यानी मेरे संस्कार बन जाते हैं, तो मैं एक आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। बार बार अपने आप को ये याद दिलाना कि मैं शरीर नहीं, इस शरीर से अलग मैं एक आत्मा हूं। जितना जितना हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं उतना उतना हम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं।
उतना उतना हम आत्म अभिमानी बनते हैं और आत्मा के स्वयं के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वो आत्मा में इमर्ज होने लगती हैं। बॉडी को हम भोजन खिलाते हैं, आत्मा का भोजन है ज्ञान, जो रोज हम मुरली सुनते हैं, उस मुरली के महावाक्यों से मैं आत्मा ज्ञान रूपी भोजन को ग्रहण करती हूँ और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। तो एक बहुत सुंदर जर्नी है, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ हमें जाना है। जब हम कोई भी काम करें, जैसे हम सोच रहे हैं, ये भी एक कर्म है, तब हम सोचते वक्त भी, जैसे हम खाली बैठे हैं, बाबा की मुरली का मनन चिंतन करें, बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा, बाबा की कौन सी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका अगर हम मनन चिंतन रिपीटेशन करेंगे तो ये भी एक योग हो जाएगा। और हम उतने ही भगवान से जुड़ते हुए चले जाएंगे और भगवान की जो सारी शक्तियां हैं वो मैं आत्मा उन शक्तियों को ग्रहण करके शक्तिशाली बनती चली जाऊंगी। ये हम सोचने के दौरान कर सकते हैं। जब हम कर्म कर रहे हैं तो मैं आत्मा करण करावनहार, मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों से कर्म करवा रही हूं। जैसे हम भोजन बना रहे हैं तो मैं आत्मा अपने हाथों से भोजन बना रही हूं। मैं जब वॉक कर रही हूं या मैं चल रही हूं तो मैं आत्मा अपने पैर के द्वारा चल रही हूं। कोई चीज अगर हम सुन रहे हैं तो मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूं। मैं आत्मा इस बुक के द्वारा बोल रही हूं। भोजन करें तब भी ये कि मैं आत्मा इस शरीर को भोजन खिला रही हूं। तो जैसे जैसे हम इस स्थिति में रहेंगे तब बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ स्वतः ही अग्रसर होते चलेंगे और जितना जितना मैं आत्मा सोल कॉन्शियसनेस की तरफ रहूंगी तो आत्मा के जो सात गुण है, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ये मेरा स्वरूप मुझ आत्मा में उजागर होने लगेगा। और ये जब उजागर होने लगेगा, इसका जब प्रकाश फैलने लगेगा तो मेरे ब्रेन से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, जैसा कि अभी दीदी ने भी बताया, खुशी के हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब हार्मोन्स से मैं मेरी बॉडी का हर एक अंग शांत, खुश, हेल्दी और वेल्दी होगा और इसी यही हार्मोन्स मेरे थ्रू
मेरे बेबी के अंदर भी जाएंगे, क्योंकि जो मैं सोचती हूँ वो सोच मेरे बेबी तक पहुंचती है। तो सोचने से कितना इफेक्ट होता है मुझ पर और मेरे बेबी पर, कि हमको महसूस होने लगेगा। अगर हम बॉडी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, बॉडी कॉन्शियस की तरफ जाते हैं, तो हमें थोड़ी बेचैनी है ना, व्यर्थ के संकल्प बहुत चलते हैं, यानी हमारे विचारों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। तो विचारों की संख्या, संकल्पों की संख्या जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, हार्मोन्स भी उस सीक्रेट होने लगते हैं। और जितना जितना मैं सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाऊंगी, उतना उतना मेरे मुझ आत्मा के पॉजिटिव स्वरूप और सात गुणों के और सात शक्तियों के, अष्ट शक्तियों की मैं मालिक बनती चली जाऊंगी, और वह शक्तियां मुझ में धारण होती चली जाएगी, और साथ साथ मेरे गर्भस्थ शिशु में भी उनका इफेक्ट आने लगेगा। तो कैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाएं? हमेशा ये ध्यान रहे कोई भी कर्म करते हुए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं खुश और शक्तिशाली आत्मा हूं, और हर कर्म मैं अपने प्रभु की याद में कर रही हूं। चल रही हूं तो प्रभु की याद में चल रही हूं, बात कर रही हूं तो मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात, सामने वाले को भी सोल देखें, सामने वाले के भी विशेषताओं को देखें, अपने परिवार के सदस्य को, उनको भी आत्मिक स्वरूप में देखें, अपने आप को भी आत्मिक स्वरूप में देखें, और साथ ही साथ अपने अंदर भी अनुभव करें कि मेरा डिवाइन एंजल भी एक सोल है, वो भी बहुत सुंदर डिवाइन फरिश्ता है, वो भी बहुत खुश नसीब आत्मा है, वो भी बहुत खुश है, शक्तिशाली है। इस सोच से मेरा और मेरे बेबी का, दोनों का ही डेवलपमेंट, बेबी का डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, हम डिजाइन कर रहे हैं बेबी को, एक दिव्य फरिश्ता का निर्माण कर रहे हैं। तो वो भी सक्सेसफुली, उसके भी हर ऑर्गन्स बहुत अच्छी तरह से डेवलप होंगे, उसका भी मन और बुद्धि शक्तिशाली बनेंगे, और माँ के संस्कार से बच्चे के संस्कार भी बदलेंगे। केवल माँ के संस्कार से बच्चे के संस्कार बदल सकते हैं, बाकी और कोई चीज गर्भस्थ शिशु के संस्कार को नहीं बदल सकती। तो माँ के रूप में हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, और हम बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली माताएं हैं जो आज स्वयं भगवान इस नेट के माध्यम से मुझे और मेरे गर्भस्थ शिशु को पढ़ा रहा है। उसने मुझे ही नहीं, मेरे बच्चे को भी गोद में उठा रखा है। इन सब फीलिंग्स के साथ हम सारे दिन रमण करें, सारे दिन, हर पल हर क्षण इन्हीं चीजों को सोचते रहें, विचार करते रहें। अब हम जब सुबह उठे तो हमें कुछ संकल्प करने हैं। क्या संकल्प करने हैं? जब हम सुबह उठते हैं या जब हम सोते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो 5 और 10 मिनट के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ
रहता है। तो उस समय जो भी हम विचार करेंगे उन विचारों का मुझ आत्मा के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर और मेरे गर्भस्थ शिशु के ऊपर 100% बहुत सुंदर इफेक्ट आएगा। तो हम क्या संकल्प करें, और ये संकल्प अगर हम 21 दिन तक लगातार करें तो ये हमारे नेचुरल संस्कार बन जाते हैं। तो पहला संकल्प करें, सबसे पहले उठते ही क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग बाबा, और सोते वक्त भी क्या करेंगे, गुड नाइट बाबा करेंगे। सब लोग करते ही होंगे। फिर सोचें, सबसे पहले भगवान को शुक्रिया अदा करें, थैंक यू मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा। उनको देखते हुए संकल्प करें कि मैं भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं। पहला संकल्प क्या होगा, मैं भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं। अनुभव भी करें और विजुलाइज भी करें कि मैं एक फरिश्ता हूं। इस संकल्प से दिन भर लाइट और माइट में रहेंगे। फिर इसी के साथ हम दूसरा संकल्प करें कि मैं देने वाला देवता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ सब लोगों को देना है। अब क्या देना है, शुभ भावना, शुभ कामना, सम्मान देना है, प्यार देना है, उमंग उत्साह बढ़ना है सब लोगों में। यानी मैं देने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। दूसरा संकल्प करेंगे। तीसरा संकल्प करेंगे कि मैं मेरी इच्छाओं से मैं परे हूं, मुझे केवल अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखनी है, मैं इच्छाओं से परे हूं। तो मैं क्या हो जाऊंगी, शांत हो जाऊंगी, संतुष्ट हो जाऊंगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है। अभी दीदी ने बताया ना, प्राप्तियों का अनुभव हो रहा है ना, हम सब लोगों का प्राप्तियों का अनुभव, उन प्राप्तियों का अनुभव मुझे हो रहा है, मैं संतुष्ट आत्मा हूं, मुझे सबको देना है, लेना नहीं है। थर्ड हम संकल्प करेंगे कि मेरा ये जो शरीर है ये बिल्कुल स्वस्थ है, संपूर्ण स्वस्थ, मेरे शरीर का हर एक अंग, हर एक कोशिका, हर एक सेल एकदम हेल्दी है। मेरे बॉडी का हर एक अंग अपनी संपूर्ण तरीके से एक्यूरेट वर्क कर रहा है। ये हमें विचार भी करना है और फील भी करना है। हमें अपनी मन की आंखों से हर एक अंग को देखना भी है कि मेरा दिल संपूर्ण हेल्दी तरीके से धड़क रहा है, मेरा श्वसन तंत्र एकदम एक्यूरेट चल रहा है, मैं जो खाना खाती हूँ, जो मैं भोजन करती हूँ, वो भोजन अच्छी तरह से पच रहा है, मेरा मस्तिष्क एकदम बैलेंस्ड है, शांत है। मेरे पेट के हर एक अंग, लीवर, स्प्लीन, किडनी,
ये सब बहुत सुंदर तरीके से एक दूसरे का सहयोग लेकर कार्य कर रहे हैं। मैं एकदम स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। फिर चौथा संकल्प करेंगे कि ये जो घर है ये परमात्मा का घर है, ये भगवान का घर है और मैं यहां सेवाधारी हूं। जब हम परमात्मा को अपने घर को समर्पित कर देंगे तो हमारे घर का भंडारा और भंडारी, भंडारा और भंडारी बिल्कुल स्वतः ही भरपूर रहेंगे, क्योंकि ये भगवान का घर है। हमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। फिर इससे जुड़ा हुआ पांचवा संकल्प करें कि इस घर में रहने वाले, इस घर का हर सदस्य परिवार सुखी है, उनके संस्कार एक दूसरे से मिलते हैं, एक मत है, एकजुट है। ऐसे इन पांच संकल्पों का हम सुबह और शाम को उठते ही और रात को सोते हुए ये पांच संकल्प करें। याद रहेंगे सब संकल्प? चलो अब हम चलते हैं एक रूहानी यात्रा की तरफ। सब रिलैक्सली बैठेंगे। अगर आंखें बंद करना चाहें तो आंखें बंद कर लें, जैसा चाहें। अगर बैठ नहीं सकते हैं तो लेट जाएं और आओ अब हम सब उस परमात्मा को याद करते हैं। ओम शांति। सबसे पहले चारों तरफ से अपना ध्यान, मन और बुद्धि को समेटकर अपने पास लेकर आए। स्वयं को देखें कि मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चमकता हुआ सितारा, दोनों आईब्रोज के बीच, ब्रेन के मध्य में, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में हूं और मेरे सामने निराकार शिव परमात्मा, बिंदु स्वरूप, दिखने में बिंदु है पर गुणों और शक्तियों के सिंधु हैं, वो मेरे सामने हैं, मैं उसके सामने हूं। निहारते रहें उस बिंदु निराकार परमात्मा को और सबसे पहले उसको शुक्रिया अदा करें। मैं आत्मा एकाग्र चित होकर अपने फरिश्ते स्वरूप को देख रही हूं। डिवाइन स्वरूप है मेरा। मुझे भगवान ने इस सृष्टि पर सुख और शांति के लिए भेजा है। निराकार परमात्मा की सुख और शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
मुझे सुख और शांति अनुभव हो रही है। मैं संतुष्ट हूं, एकाग्रचित हूं, परमात्मा ने मुझे भरपूर दिया है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ देना है, मेरा पूरा शरीर, संपूर्ण और स्वस्थ है, मैं संपूर्ण निरोगी हूं, एकदम हेल्दी हूं, फिट हूं। ईश्वर ने मुझे ये सुंदर और फिट शरीर दिया है। मन की आंखों से अपने संपूर्ण शरीर को देखें, हर एक अंग को शुक्रिया अदा करें। मेरा गर्भस्थ शिशु भी, उसका शरीर भी संपूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है, वो भी एक चमकता हुआ सितारा है। उसका भी एक एक अंग स्वस्थ है। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। जहां मैं रहता हूं, ये घर भी परमात्मा का दिया हुआ है। ये परमात्मा का घर है। पूरा घर सुख और समृद्धि से भरपूर है। इस घर की हर एक आत्मा परिवार के सदस्यों को सामने लाए। बाबा उनको भी शक्ति दे रहा है। परिवार के सदस्य सब निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, एकजुट हैं, सभी परमात्मा की संतान है और मेरा सभी के साथ बहुत सुंदर देने वाला रिलेशन है। मैं सबको सम्मान, शुभ भावना, शुभकामना देती रहती हूं। मेरा पिता मुझे दे रहा और मैं सबको दे रही, और मेरे आने वाला शिशु भी, वो भी फरिश्ता, वो भी इस संसार में सुख और शांति बांटने के लिए आ रहा है। वो भी देवता है, वो भी देने वाला है। मैं स्वस्थ हूं, मेरा गर्भस्थ शिशु स्वस्थ है,
और मैं अपने सामने खड़े हुए परमात्मा को शुक्रिया अदा कर रही हूं। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, मुझे आप ऐसे ही गोदी में बिठा के रखना। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर कृष्णा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माताओं को इतने प्यार से और इतना धीरे धीरे सब चीजें अनुभव कराई। तो अभी दो बातें मैं बतानी चाहूंगी। एक तो जो हमारा बुक है, बुक के बारे में बता देती हूँ। जो माताओं ने अभी तक ये किताब या ये जर्नल नहीं लिया है, ये रेफरेंस के लिए है कि हम जो भी एक्टिविटीज कराते हैं ये बुक से कराते हैं। तो एवरीडे जब भी एक्टिविटीज होती है आप ये बुक भी रेफर कर सकते हो, और आपके रिकॉर्ड के लिए है, और इसमें एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो। और ये बुक में क्या क्या कंटेंट है वो भी मैं बताना चाहती हूँ। कि जैसे कि इसमें जो माताओं ने लिया है बुक्स, वो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि उन्हें बुक कैसा लगा और उन्हें कैसे हेल्प हो रही है, वो चैट बॉक्स में आप बता सकते हो ताकि सबको पता चले। और इसमें एक्सरसाइज डाइट है, फिर लेबर रूम में क्या क्या चीजें लेके जानी है, फिर बच्चे से अगर हम बात करते हैं, बेबी कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें भी कुछ सैंपल दिए हुए हैं कैसे कॉन्वर्सेशन करने चाहिए। फिर 28 मेडिटेशन कॉमेंट्रीज है, जैसे अभी डॉक्टर कृष्णा ने एक करवाया, वैसे और भी बहुत सारे हैं जो हम कर सकते हैं। और पजल्स भी है, फिर स्लीप हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें है जो मतलब गर्भावस्था के टाइम तो हेल्पफुल है ही, उसके बाद भी हेल्प करेगा क्योंकि इसमें डाइट वगैरह सब कुछ दिया है। तो अगर कोई ये बुक अवेलेबल करना चाहे तो ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हैं, और उसके डिटेल्स मैं दे दूंगी कि कौन से नंबर पे अवेल कर सकते हैं। और दूसरा, एक माताओं से रिक्वेस्ट है कि जब भी वो ज्वाइन होते हैं तो डिवाइस के नाम से ज्वाइन होते हैं, फैमिली मेंबर्स के नाम के ज्वाइन होते हैं, तो वैसा ना करें क्योंकि फिर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आज एक बहन है पार्थ माने, शायद उनके बच्चे के नाम से या हस्बैंड के नाम से वो ज्वाइन हुए हैं, तो ऐसा मैं मैसेज चैट पे उनको मैसेज भेजती हूँ लेकिन वो अपने आप को रीनेम नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज इसका ध्यान दीजिए क्योंकि हमें भी पता चले कौन सी माताएं रेगुलर आ रही है, नहीं आ रही है, एक्टिविटीज कर रही है, नहीं कर रही है, हमें अटेंडेंस में भी हेल्पफुल होता है। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से ये प्लीज ध्यान दीजिए, अपने डिवाइस के नाम से या फैमिली मेंबर के नाम से ज्वाइन ना हो, ठीक है। तो अभी हम डॉक्टर कृष्णा का शुक्रिया करेंगे सभी एक हाथ से वीडियो ऑन करके। तो थैंक यू सब मदर्स और उनकी बेबी के साथ कि आपके बेबी के वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली हमें ये सेशन कंडक्ट करने में, और इतने जन ये प्रोग्राम से जुड़ पाए। तो सभी मदर्स का भी थैंक यू है, डॉक्टर कृष्णा आपका पूरी टीम की तरफ से और सब मदर्स की तरफ से थैंक यू है। तो कभी कल हम फिर मिलेंगे 8 बजे, अगेन डॉक्टर कृष्णा हमारे साथ वापस आएंगे। तो थैंक यू सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और फिर कल वापस मिलेंगे। थैंक यू। सब लोग बाबा की याद में अच्छे से बाबा की गोद में सो जाएं।